हेलो एवरीवन, माय नेम इज कनिका टिक्कीवाल। आई एम फ्रॉम क्लास 12 फ्रॉम सनशाइन ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट अ पोएट्री फॉर माय स्कूल। मेरा सफर बड़ा यादगार रहा। हाँ, कई परेशानी आई पर उसका सामना करने में मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा। कई उतार चढ़ाव आए, कभी शरारत करने पर डांट पड़ी तो कभी उन्होंने प्यार से समझाया। भले ही शुरुआत एक किराए की बिल्डिंग से रही हो, पर आज सनशाइन ग्लोबल स्कूल एक सितारे की तरह चमकते हुए हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा। याद है मुझे जब उस किराए की बिल्डिंग में से स्विमिंग पूल को हटाकर एक ऑफिस बना दिया गया, कभी स्टोर रूम तो अंत में एक खरगोश का घर बना दिया गया। याद है मुझे जब हर जन्माष्टमी पर कोई राधा तो कोई कंस बनकर आता था, तो कोई प्यार से लड्डू या चॉकलेट दे जाता था, मगर मजा तो मैम के मुंह से अपनी तारीफ सुनने में आता था। वो हर मकर संक्रांति व होली पर मिठाई के साथ साथ नई खुशियां बांटी जाती थी, तो क्रिसमस डे पर कभी विपिन सर या कोई फिर बच्चा सेंटा क्लॉज बनके टॉफी या गिफ्ट देने आता था। फिर ईद पर सेवइयों की खीर बच्चों में परोस दिया जाता था। वो दिवाली पर दियो के साथ साथ पटाखे जलाए जाते थे, तो कभी छुपके से बॉम्ब भी फोड़ दिया जाता था। हाँ, याद है मुझे जब टीचर्स डे पर टीचर्स को कभी गुलाब तो कभी पेन दे दिया जाता था और अंदर से उनका मन फूला नहीं समाता था। तो गांधी जयंती पर कोई भाषण तो कोई गाना सुना के जाता था, पर मजा तो तब आया जब एक बच्चा गांधी जी बनकर आया, मगर उससे ज्यादा मजा तो डांस देखने में आता था। वो रिपब्लिक डे पर केसरिया सफेद हरे रंग का कपड़ा बच्चों को पहनने के लिए बोल दिया जाता था, तो आजादी का त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। हाँ, ये वह किराए की बिल्डिंग है जहाँ हर त्योहार खुशियों से मनाया जाता था। वो हर महीने के अंत में एक केक बच्चों से कटवाकर बच्चों में बांट दिया जाता था। मौज मस्ती खूब करी। हर मुश्किल में मुझे कामिनी मैम का भी पॉजिटिव वाला डायलॉग याद रहा। वो टीचर्स का कभी ज्यादा शरारत करने पर फटकारना, तो कभी एक अच्छा काम करने पर शाबाशी देना, तो कभी माँ बाप जैसा प्यार हर बच्चे पर बना रहा। मेरा सफर बड़ा यादगार रहा। फिर एक नई शुरुआत हुई और वक्त बीतता गया और खुद की इमारत बनकर तैयार हुई, तो नए सफर की शुरुआत यहाँ से हुई। हाँ, याद है मुझे जब इस इमारत का नांगल करवा कर लोगों को खाना खिला दिया गया और शाम को इस कार्यक्रम का अंत हुआ, लेकिन अंत को आरंभ मानकर बच्चों को पढ़ने के लिए बुला लिया गया। शुरुआत भले ही 200 बच्चों से हुई हो, पर टारगेट 1000 बच्चों का सेट कर दिया गया। आज 700 पूरे हो गए हैं, पर टारगेट को बढ़ाकर 1500 कर दिया गया। आरंभ में कमरे कम होने के कारण 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक के बच्चों को ही बुलाया गया, लेकिन आज कमरे ज्यादा होने के कारण किसी को एक्टिविटी रूम तो किसी को लाइब्रेरी बनाया दिया गया। फिर भी कमरा कोई खाली न रहे, इसलिए उसको प्ले रूम बना दिया गया। और वक्त बीतता गया और एक छोटा सा शैमरॉक स्कूल सनशाइन ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तब्दील हो गया। पढ़ाई से लेकर खेल कूद में हमारा स्कूल हमेशा आगे रहा और पहली बार में ही हमारा स्कूल हर क्षेत्र में जीत गया। हाँ, कुछ हार का सामना करना पड़ा, पर मैम का बी पॉजिटिव वाला डायलॉग बरकरार रहा। वो हर बार एक नई कहानी के साथ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे टीचर्स का हमेशा साथ रहा। वो हर त्योहार हमारा स्कूल बड़ी धूमधाम से बनाता आ रहा, कभी एनुअल फंक्शन तो कभी ट्यूर तो कभी फेयरवेल बना रहा। याद है मुझे जब बचपन में मुझसे कोई मेरे स्कूल का नाम पूछता था, तो नाम बताने पर यह नाम तो पहली बार सुना है, यह कहकर मुस्कुराता रहा। लेकिन आज स्कूल का नाम लेने पर स्कूल की तारीफ के साथ साथ उसका पता तक बता रहा। सभी के बीच प्यार बेशुमार रहा। हाँ, मेरा सफर बड़ा यादगार रहा। थैंक यू।